स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक बहुत बड़ी रैली की और दोस्तों प्रचंड भीड़ देख के जहां पर एक और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नींद उड़ी हुई है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है कि अवधारणा का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के प्रत्याशी झोली फैलाकर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भरतपुर के अंदर इन दिनों लोकसभा चुनाव 2019 का माहौल बेहद गर्म है। तीन चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हजारों की हजार भीड़ के सामने झोली फैलाकर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से बिल्कुल गूंजता हुआ ये समारोह नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी झोला बनाकर अपने कुर्ते का वोट मांगते हुए नजर आ रहा है। यानी दोस्तों पूरी तरह से वोट की भीख मांगता हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता नजर आया है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको भी इस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हो रहे चुनाव में जहां पर एक और राजस्थान में गहलोत की सरकार चल रही है, वहीं पर दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त तरीके से लहर चल रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में तमाम तरह के प्रयास के बाद भी कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ इस प्रकार बढ़ी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी ही रैली में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोटों की भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों आपको ये खबर कैसे लगी लाल बटन दबाइए और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर दोस्तों 5 साल पहले 2014 में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से भी बड़ा 2019 के अंदर बीते दिन रोड शो वाराणसी में हुआ है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दावे के अनुसार 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है और दोस्तों चप्पे चप्पे से आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए हैं। हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी लगातार रैलियां और रोड शो के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल होने की बात कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो होने के बाद से अब ये पूरा नजारा उलटता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर मिल रहा है। इससे पहले 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 325 के प्रचंड जीत के पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी माना गया है। ऐसे में दोस्तों वाराणसी के चप्पे चप्पे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में खड़ी भीड़ ने संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन हो या महामिलावट हो, उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह से उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, कांग्रेस की प्रेमावस्थी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मेयर प्रेमावस्थी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। हम आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश की महामंत्री विद्यासागर सोनकर और महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा के समक्ष प्रेमा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें पूर्व प्रेमा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंची है, जहां पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली है, जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ में और सीधे तौर पर महागठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो के बाद उत्तर प्रदेश का नजारा पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन ने जल में जाकर अनूठा प्रचार किया है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार 7 आसमान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने नदियों में जा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में तनिक भी गिरावट नहीं आई है, बल्कि लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है और लोकप्रियता का आलम कुछ इस प्रकार की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहरों में जा जाकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाते हुए झंडा लगा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो काम मोदी ने 5 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में नहीं किया है। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए गौतम गंभीर ने कहा है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं दिल्ली में पूर्ण राज्य का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल
चले तेज हो गई है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर का नामांकन रद्द करने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका देते हुए गौतम गंभीर के नामांकन को वैध करार दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर करारा हमला करते हुए गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विकास की राजनीति करते हुए नजर आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग अपने विफलताओं से लोगों को भटकाने के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा आक्रामक रूप से उठा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तल्खी देखने को मिली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके देश के अंदर कितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे आ जाए और दिल्ली के अंदर चुनाव लड़कर दिखाए, यानी दोस्तों पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आंदोलन से बनी हुई आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी बन गई है और बड़े बड़े नेताओं के छोड़ने के बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है दिल्ली में। वहीं पर केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी को जोर शोर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर सपा के आजमगढ़ में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, कहा आतंक का गढ़ बना दिया था समाजवादी पार्टी ने। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन दिनेश लाल यादव के लिए वोट मांगे हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इसको आतंक का गढ़ बना दिया था, बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। और साफ तौर पर दोस्तों अखिलेश यादव की हार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि दिनेश लाल यादव यहां पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और अखिलेश यादव की कुर्सी भी खतरे में आती हुई नजर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक दमदार उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव की मुश्किलें कुछ इस कदर बढ़ा दी है कि अब अखिलेश यादव के दिग्गज नेताओं तक को समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में डेरा डालना पड़ गया है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश भेजी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा फैसला लेते हुए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने से बच गई है। यानी दोस्तों सीधे तौर पर हार को सामने देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया होगा। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दरभंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पड़ोसी देश के अंदर आतंकवादी की फैक्ट्री चल रही है, बावजूद इसके महामिलावट लोग कहते हैं कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और ऐसे में महामिलावटों की बात नहीं सुननी चाहिए, जो लोग वंदे मातरम बोलने से भी अपने आप को हिचकिचाता हुआ महसूस करते हैं। यानी दोस्तों सीधे तौर पर आरजेडी के दरभंगा से प्रत्याशी के खिलाफ जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात बोल दी है। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा यात्रा पर आई प्रियंका गांधी के पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जीत के दावे को खोखला साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद जहां पर वाराणसी में जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देकर प्रियंका गांधी को चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की सारी रणनीतियों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अहंकारी पार्टी है, इसीलिए गठबंधन नहीं हो पाया है। यानी दोस्तों अपने वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गुत्था गुत्थी देखने को मिल रही है, यानी एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को जबरदस्त समर्थन मिला है और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन जिस तरह से अयोध्या के साथ साथ तमाम तरह के अन्य धर्म नगरियों में मिल रहा है और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की फिजा में बड़ा बदलाव आया है, उसको लेकर यह बताया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा और ज्यादा 2014 की तुलना में हुआ है। इसी के साथ 5 साल बाद पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षियों के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए राम की नगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनने के बाद जबरदस्त तरीके से अयोध्या में काम किए गए हैं और दोस्तों विकास कार्यों की सूची लेकर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या, जहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने के बाद जहां से विपक्षी अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे होंगे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दों से जुड़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए विपक्षी लोग नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मूल मुद्दों से भटक गए हैं, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से, चाहे वो धारा 370 का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, इन सभी मुद्दे पर अपनी राय प्रखर रूप से रखनी शुरू कर दी है और विपक्षियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अयोध्या में होगी और विपक्ष इसको लेकर बौखलाता हुआ नजर आया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों संघ ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक, कहा है 12 सीटों पर है कॉम्पिटिशन। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर संघ ने भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक देते हुए कहा है कि 12 सीटों पर अच्छा खासा कंपटीशन है। इसका केवल एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने बागियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संजीदगी के साथ इन सभी मुद्दे को देखते हुए अपनी रणनीति बनाई है और दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है। दोस्तों आपको
बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत ये बड़ी खबरें कैसी लगी, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।